तो ऐसी टेक्निक है दोस्तों हमारी, तो आप भी ना दोस्तों कभी भी दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकिस व्हील वर्क चैनल पे। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, ये तीसरी मंजिल की स्लैब की सेंटरिंग ठोक रहे हैं हम दोस्तों। अभी जितने भी बॉटम है दोस्तों, उतने भी बॉटम पूरे के पूरे दोस्तों कंप्लीट हो गए हमारे। आप देख ही सकते हो दोस्तों, जितने भी दिख रहे उतने भी बॉटम ठोक दिए दोस्तों। अब सिर्फ ना दोस्तों कुछ ही जगह पे ना दोस्तों हमें बॉटम के साइड से प्लाई ठोकनी है दोस्तों। मतलब देखिए इसे प्लाई के दोस्तों जो आगे का बॉटम है दोस्तों, ये देखिए देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये पार्टी का ना दोस्तों 6 इंच का बॉटम है दोस्तों। तो हमने जो 6 इंच का आगे का जो बीम आता है दोस्तों, उसके लिए हम एक बॉटम ऐसे ऊपर लगा दिया दोस्तों। तो हमें ना दोस्तों सिर्फ कुछ ही जगह पे ना दोस्तों सिर्फ साइड से प्लाई लगानी, बाकी तो सब हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब सिर्फ उसके बाद हम लैपटर ही खड़े करने वाले हैं सेंटरिंग प्लेट के लिए। तो ये आगे की बात होगी दोस्तों। पर दोस्तों देखिए दोस्तों, ये बॉटम है दोस्तों। अब मान ये देखिए दोस्तों, ये बॉटम है, इधर प्लाई भी लगाई हुई है, सब कुछ किया है। और ये देखिए दोस्तों, ये नीचे जो लटक रहा है बल्ली के साथ, ये जो है ना दोस्तों, इसके अंदर हमने ना दोस्तों गिट्टी, जो गिट्टी और रेत बोलते हैं ना दोस्तों, उसको बोरी में भर दिया दोस्तों। और इसको ऐसे बॉटम से बांध दिया दोस्तों, और बॉटम से बांध के दोस्तों इसको ऐसे लटका दिया। और इसको ना दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बॉटम से आप अपनी इस बोरी को ऐसे क्यों लटका दिया, क्योंकि दोस्तों इस बोरी को हमने ना दोस्तों इसलिए लटका दिया ताकि जो बॉटम रहता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसे ना दोस्तों बॉटम कहते हैं। जो हम भीम डालते हैं ना दोस्तों ऊपर से, नहीं क्या ये भीम का पोर्शन है दोस्तों, तो मतलब ये बॉटम है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बॉटम है ना दोस्तों, ये मान ली दोस्तों, ये बॉटम ना, ये बॉटम अब बेंड है, मतलब जो बॉटम रहता है दोस्तों वो ना दोस्तों ऐसे सीधा नहीं रहता, जो कभी कभी ना ऐसा टेढ़ा रहता है दोस्तों जी। तो उसी के कारण ना दोस्तों हमने कहा कि यार दोस्तों हमने ऊपर ऐसे लट दिया दोस्तों उस बॉटम को, और जो ये रस्सी रहती है दोस्तों उसे हम लाइन दूरी बोलते हैं, उससे ना दोस्तों बॉटम को ना लाइन में लाते, मतलब कैसे सही से दिखने को चाहिए दोस्तों, मतलब एक लेवल आनी चाहिए इस बॉटम की। मगर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो बॉटम रहता है ना दोस्तों, मैंने जैसे पहले ए वाला बॉटम बोला, ए वाला, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ना दोस्तों बॉटम बेंड रहता है, यानी कि मतलब थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो कैसे ये जो बल्ली है ना दोस्तों, ये बल्ली हमने लगा दी दोस्तों। तो ये बल्ली दोस्तों ऐसे नीचे है ना दोस्तों, ये जो बल्ली का जो नीचे का भाग है ये ऐसे जमीन पर चिपका हुआ है, मतलब ये ईट पर ना दोस्तों चिपका हुआ है। तो कभी कभी ना दोस्तों ये चिपका नहीं रहता दोस्तों, मतलब ये जो है ना दोस्तों ये ऐसा थोड़ा ऊपर ही रहता है दोस्तों, मतलब कभी ऐसा चिपकता ही नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए हमें उसके ऊपर जब लोडिंग आएगी दोस्तों, जिस जगह पे बॉटम बेंड है, तो उसके ऊपर जब लोडिंग आती है, मतलब उसके ऊपर जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही वो ऐसे नीचे दबेगा दोस्तों। और उसी के कारण ना दोस्तों हमने इस बोरी में गिट्टी जो रहती है दोस्तों, उस गिट्टी को ऐसे डाल दिया, और इसको वहाँ से मतलब अंदर से जो तार रहता है दोस्तों, उस तार से, सेंटरिंग का तार रहता है, उस तार से ऐसे इधर हमने बांध दिया दोस्तों। उसी के कारण उसके ऊपर लोड आया और वो ऐसे नीचे दब गया, और उसी के कारण दोस्तों ये बल्ली दोस्तों सही तरीके से ऐसे नीचे चिपकी हुई है, नहीं तो कैसा दोस्तों, ये जो बल्ली है ना दोस्तों ऐसी ऊपर ही होती थी। तो ऐसी टेक्निक है दोस्तों हमारी। तो आप भी ना दोस्तों कभी भी दोस्तों, मेरे मिस्त्री भाई लोग दोस्तों, कभी भी तो अगर स्लैब के लिए सेंटरिंग ठोकते समय ना दोस्तों, अगर ऐसी हमें मुसीबत आ गई दोस्तों, मतलब ऐसी हमें तकलीफ आ गई, तो आप बस ऐसा दिमाग लगाना दोस्तों, तो ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों सिविल वर्क करते समय दोस्तों ऐसी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी बातें आपको जानना जरूर है। तो और मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।